अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने 60 लड़कियों की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और पुलिस इस मामले में क्या जुल्म कर रही है, आप खुद इस इंडियन लड़की की जबानी सुन लें। आपका दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रहा है वही सेम चीज आपकी यूनिवर्सिटी में, किसी और यूनिवर्सिटी में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त के साथ हो सकती है। एक लड़की अपने हॉस्टल की बाकी 60-70 प्लस लड़कियों के MMS बना करके एक लड़के को बेच देती है। ये इशू जब यूनिवर्सिटी के संज्ञान में आता है, वार्डन के संज्ञान में आता है, तो वो पूरी तरह इसको सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। वुमेन कमीशन वाले हंस हंस के न्यूज़ पे ये चीज़ बताते हैं, न्यूज़ आउटलेट इसको कवर नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वार्डन, इवन पुलिस इस इशू को सप्रेस कर रहे हैं। चार लड़कियां अब तक कन्फर्म है, उन चार में से दो की यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर एक चीज के वीडियो, हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। ट्विटर खोल के देखिए, इंस्टाग्राम खोल के देखिए, न्यूज भले कवर नहीं करी लेकिन अपनी आवाज लड़कियां पहुंचा रही है हम लोगों तक। एंड लेकिन इस इशू को पहुंचाना ऊपर तक और जस्टिस दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अनगिनत लड़कियां हॉस्टल में जाके पढ़ती हैं, वहां पे सेफ्टी के पर्पज से उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं, लेकिन सेफ्टी इस तरह की प्रोवाइड करी जा रही है। पुलिस, यूनिवर्सिटी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती किसी भी चीज़ की। यूनिवर्सिटी, कॉलेज अपनी जान, अपनी इमेज बचाने के लिए किस तरह स्टूडेंट्स को बलि का बकरा